वेलकम है आप सबका एक और न्यूज सेशन के अंदर। थोड़ी देर पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर पाकिस्तान के दिलों के बादशाह बाबर आजम बॉबी बादशाह ने बड़ा शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। इस मैच के अंदर सामने वाले बंदे ने साथ दिया तो मैच फिनिश भी हुआ। 639 के ऊपर 6 आउट हो चुके हुए थे, पिच बड़ा खतरनाक था और उसके ऊपर अच्छा एंकर रोल वाली इनिंग बाबर आजम ने खेली, मैच को फिनिश किया, छितवा के गए। तो मुबारकबाद हो, फाइनली बाबर आजम जिसको कहते हैं ना बैक इन फॉर्म हो चुके हुए। T20 में 350 पहले आए और अभी भी शानदार किस्म का 50 आया। इसी के साथ साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की बड़ी सीरीज है, मेरी नजर के अंदर तो बहुत बड़ी सीरीज है। मैं इसका काफी देर से वेट भी कर रहा था, परसों से ये सीरीज शुरू हो रही है थर्सडे वाले दिन से। अब सवाल ये आता है कि सीरीज कौन जीतेगा। वैसे तो देखा जाए तो हर कोई कह रहा है इंडिया फेवरेट है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ऐसी टीम है जो कभी भी किसी को शॉक कर सकती है, परेशान कर सकती है, एक्सपोज भी कर सकती है, खतरनाक टीम है। हैरी ब्रूक एक तरफ से उधर से विड्रॉ हुए हैं, तो विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैचेस से इंडिया की तरफ से विड्रॉ हुए हैं, तो अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ चुके हुए हैं। प्रिडिक्शन करेंगे इसके ऊपर, सीरीज की प्रिडिक्शन करेंगे और इसी के साथ साथ कौन सा प्लेयर इस सीरीज के अंदर अपने जलवे भी खेलेगा, कौन सा प्लेयर अपनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे सीरीज पे? यार देखें, जो प्लेयर्स टू वॉच थे विराट कोहली साहब वो तो खेल नहीं रहे इस सीरीज में, और हैरी ब्रूक भी वो भी नहीं खेल रहे। हालांकि हैरी ब्रूक का भी देखा जाए तो पिछला IPL को खास नहीं गया, एक सेंचुरी थी वो, उसके बाद कोई दोबारा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड जो है ना, अगर इस वक्त सबसे अगर कोई अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है ना, तो वो है इंग्लैंड। बेसबॉल खेलता है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट क्रिकेट बड़ी चेंज कर दी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उनको वो वही सूट भी करती है, उनको वो जचती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन जहां तक बात है ना इंडिया की, इंडिया ने बनाने हैं स्पिनिंग ट्रैक, स्पिन पिचे बनानी है इंडिया ने। आपको पता है इंडिया के स्पिनर्स बड़े जबरदस्त हैं, आउट क्लास हैं, तो ताकि उनको हेल्प हो तो इंडिया अपनी स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएगा और टर्निंग बहुत, यानी कि पिच पे टर्न बहुत मिलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे मामला जरा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक साइड ऐसी है जो बेसबॉल खेलती है, जो तेज खेलती है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया को चेंज किया है रिसेंटली, और एक साइड ऐसी है जो जो हमेशा की तरह जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और स्पिनर्स इनके इंडिया के बहुत अच्छे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के स्पिनर, वो एक मीम बनी हुई थी भाई कि मैंने लास्ट टाइम नवाज का मरने से पहले एक दफा नवाज का बॉल टर्न होता दिखा दो बांग्लादेश में ओवरऑल जितना भी देखा जाए ना, तो 80% मैचेस लो स्कोरिंग ही होते हैं। बिल्कुल उनकी पिचेस ही ऐसी बनती है, बनाते ही ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। लेकिन खैर, कहते हैं जिसने अपना रिकॉर्ड खराब कराना होना बांग्लादेश चलाएगा। तो लेकिन मेरा ख्याल है लीग्स क्रिकेट में ना थोड़ी पिच फास्ट होनी चाहिए, ऐसा ही है। जितने हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे उतना मजा आएगा। बाबर ने भी जिस तरह खेला है, बाबर ने बॉल्स बड़ी खेली है, लेकिन अगर पिच को देखा जाए तो उस हिसाब से 6 आउट हो गए 39 ना, खेलना जरूरी था। वो भी बात है ना, वही सिचुएशन भी ऐसी थी, उसके अलावा पिच भी ऐसी थी, पिच बड़ी टर्निंग थी, तो उस हिसाब से वो ठीक खेला। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, अब ये शुरू होगी 25 तारीख से, खत्म होनी है मार्च के अंदर IPL से पहले। तो मेरा ख्याल है 11-12 मार्च को खत्म होगी सीरीज। तो एक एक टेस्ट मैच के बाद अच्छा खासा ब्रेक भी, अभी 25 को एक है, तो फिर उसके बाद 2 फरवरी को दूसरा, उसके बाद 15 को 30, 12 को 3 रोजे शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, बड़ा लंबा चलना, PSL खत्म हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है। PSL एंड प्ले ऑफ शुरू हो जाएगा, तब जाके ये लीग खत्म होगी, ये लीग कह रहा हूँ सीरीज खत्म होगी। बड़ी लंबी सीरीज है, इस लंबी सीरीज के अंदर कौन सी टीम जीतेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहला मैच है हैदराबाद के अंदर, इस मैच की तो बाद में बात करेंगे, बट सीरीज की प्रिडिक्शन करते हैं। अब्दुल्ला भाई, मुझे तो जहां तक लगता है ना, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि लास्ट टाइम BGT ट्रॉफी की हमें लग रहा था कि हमें 3-0 हमने कहा था, 3-1 का था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, 2-1 हो गया था, एक ड्रॉ हो गया था, एक जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत गया था पहले 2, इंडिया बड़े आराम से जीत गया था। तो ये वाली जो सीरीज है ना, ये है इंग्लैंड की टीम बेसबॉल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बेसबॉल अगर कामयाब होगी तब तो इंडिया के लिए मुसीबत आएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद हो तो उसके अंदर भी ये हुआ था कि इंडिया ने स्पिन ट्रैक बनाए, ऑस्ट्रेलिया के आते साथ ही आउट हो रहे थे, फिर होता क्या था, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता था, इंडिया जब बैटिंग करने आता था इंडिया के भी 4-5 आउट जल्दी हो जाते थे,
नीचे से जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, ये तीनों के तीनों रन बड़े कर रहे थे। तो होता क्या था, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे कोई ऑलराउंडर्स नहीं थे नीचे की तरफ, इंडिया के पास होते थे वो 250 के करीब स्कोर ले जाते थे और इंडिया को बड़ा फायदा हो रहा था इस सीरीज के अंदर। तो वही चीज अब इंग्लैंड के साथ भी अब देखेंगे, लेकिन इंग्लैंड के पास जो प्लेयर्स हैं वो पहली बॉल से शुरू होंगे तेज खेलना, उनका तो कहते हैं मार्क वुड जैसा भी हिट करता है। लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, जब स्पिनर्स आएंगे और बॉल बहुत टर्न होगा ना, तो फिर बेस बॉल नहीं चलेगा। हाँ, ये तो बॉल बहुत मिस भी होगा बैट्समैन से। या तो देखना दो चीजें हो सकती है, या तो आप रोकने के चक्कर में बहुत ही आउट क्लास स्पिन के प्लेयर हो तो आप लंबी इनिंग खेलोगे, वरना तो अपने आउट हो जाना, आप उनको रोक नहीं सकते। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल को उनका बॉल बहुत टर्न होना है। अगर आप उनको हिट करते हो या तो उसपे भी चांस है आपका आउट होने का, लेकिन एक चांस ये है कि अगर आपकी हिट लग गई और उनकी लाइन वाइन खराब होगी तो आप बोनस स्कोर कर सकते हो और वो आपके लिए बड़े कारामत साबित होंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर इंग्लैंड के अब्दुल्ला भाई 50 पे 5 आउट भी हो जाते हैं, उसके बावजूद अगर वो 250 कर जाते हैं नीचे से तेज खेल के, तो उनकी जीत है इस चीज के अंदर। तो इंग्लैंड की कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया के खिलाफ जो है कम से कम हर इनिंग्स के अंदर 220 प्लस स्कोर करे, ताकि मैच मजे के हो। और इस दफा इंग्लैंड भी अच्छे खासे स्पिनर्स को लेके जा रहा है, तो बड़ा कुछ आगे जाके हो सकता है। बट प्रिडिक्शन की बात करें तो आई स्टिल बिलीव के इंडिया फेवरेट है। मुझे लगता है कि ना ये जो सीरीज है इसमें कोई ड्रा तो होता मुझे नजर नहीं आ रहा, सारे स्पिन ट्रैक बनेंगे और मुझे लगता है कि ना 3-2 का रिजल्ट इस सीरीज का आएगा यार। लेकिन जो इंग्लैंड फिर भी ना मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ में ना ज्यादा उनकी फास्ट बॉलिंग है। आप देखें ना, बेन स्टोक्स, जेम्स एंडरसन है, ओली रॉबिन्सन है, फिर उसके अलावा आपके पास मार्क वुड भी है, तो वो ज्यादातर इनकी स्ट्रेंथ वो है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर पिचेस स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं, तो यहाँ पे ये लेके जा रहे हैं 3-4 इन्होंने स्पिनर रखे हैं, अभी तो एक को वीजा ही मिला, उसको भी वीजा मिल जाएगा कुछ देर के अंदर, बाकी इन्होंने ऑलराउंडर्स भी बड़े रखे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई जडेजा भी है, अश्विन भी है, अक्षर पटेल भी है, हाँ जी, और ये ऑलराउंडर्स भी है, ये भी आप याद रखे। तो अगर ऑन द पेपर देखे ना तो फिर टीम इंडिया की ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर मुझे लगता है ना इंग्लैंड जो है वो 2 टेस्ट मैचेस में ना अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा देगा, बाकी 3-2 मेरा ख्याल है इंडिया। आपका क्या ख्याल है? अगर इंग्लैंड, मुझे लगता है कि जब तक फास्ट बॉलर्स है ना इंग्लैंड तब तक मारेगा। हाँ, हो सकता है कि स्पिनर्स को शुरू शुरू में मार पड़े लेकिन उसके बाद स्कोर रुक सकता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ऊपर से घर में अपने सीरीज है, इंडिया अपने घर में फेवरेट होता है एज यूजुअल, तो मेरा भी यही ख्याल है कि 3-2 इंडिया ही। और सबसे बड़ी चीज आपको अगर मैं याद कर रहा हूँ, जो बीजीडी ट्रॉफी उसके अंदर पहले 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने स्पिन ट्रैक बनाया, इंडिया बड़े आराम से 2-3 तीसरे टेस्ट मैच में भी स्पिन ट्रैक बनाया था, लेकिन उल्टा इनके ऊपर हावी हो गया, ऑस्ट्रेलिया पड़ गई। चौथे मैच के अंदर फुल जिसको कहते हैं ना बैटिंग फ्रेंडली डेड पिच थी पूरी, तो वो मैच ड्रा हो गया था। तो वो जहाँ पे ऐसी पिच आ जाती है वहां पे फिर इंडिया में ड्रा भी मैच हो सकता है। ड्रा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, इंग्लैंड जो है ना वो ड्रा वाली क्रिकेट नहीं खेलता। इंडिया इंग्लैंड वैसे बेन स्टोक ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को लालच दी थी 2 दिन में 350 चेस करो, और वो हो रहा था चेस 50 रह गया था, 5 विकेट पाकिस्तान के पास ही और पाकिस्तान, ये होती है ना बहादुरी। तो वो जाते जीतने के लिए, देखना ये बेन स्टोक टोटल खुद कितने फिट है, क्योंकि वो रिहैब के ऊपर थे, अब उनकी भी रिकवरी पूरी जैसा कहते हैं चल रही थी। यार बेन स्टोक्स का ना दिमाग बड़ा है, कैप्टेंसी में अगर देखा जाए ना कैप्टन, तो वो बड़ा जबरदस्त कैप्टन। आपने प्रेडिक्शन ही अपनी बताई, मैंने बताया 3-2 इंडिया, 3-2 इंडिया, आपको भी 3-2 लगता है इंडिया। बात करते हैं जरा इंपैक्ट प्लेयर की। देखिए पहले तो मुझे था कि हैरी ब्रो को मैंने पिक करना था लाजमी, लेकिन वो है नहीं, विराट कोहली भी नहीं है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। बट आई स्टिल बिलीव के ना इस सीरीज के जो 3 इंपैक्ट प्लेयर इंडिया की तरफ से होंगे वो होगा अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन। ये तीनों मेरे इंपैक्ट प्लेयर होंगे फ्रॉम इंडिया। और उनकी टीम से अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बेन स्टॉक, अगर डैन लॉरेंस को ये लोग खिलाते हैं वो लड़का जो आएगा खेलेगा। और इसी के साथ साथ आई थिंक के इनके जॉनी बेस्ट्रो, जो रूट में से कोई एक हो सकता है। आपको क्या लगता है? यार इंग्लैंड से तो ऑब्वियसली जो रूट आपको पता है वो टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और उसके अलावा बेन स्टोक्स और मार्क वुड हो सकता है। मुझे मार्क वुड पे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा सीरीज में, लेकिन डिपेंड करता है पिच पे भी, लेकिन मार्क वुड को मैं फिर भी जरा चूज कर रहा हूँ। उसके अलावा इंडिया की तरफ देखा जाए ना तो मुझे ज़्यादातर स्पिनर्स ही हैं। जयसवाल मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा अगर कोहली तो नहीं खेल रहा ऑब्वियसली, वरना कोहली को हम पिक जरूर करते। और ऑन द अदर एंड मेरा ख्याल है स्पिनर्स में से तो जडेजा।
जडेजा और अश्विन, अश्विन इतना टच में नहीं लगता, जडेजा का जो है ना बॉल वो कभी कभी इंतहा का टर्न होता है, ऐसा ही ऐसा वो टर्न होता है उसका बॉल यार। अच्छा, समझ नहीं, इस सीरीज में शुभमन गिल के ऊपर बड़ी नजर है क्योंकि शुभमन गिल की वो अहमदाबाद के अंदर एक सेंचुरी आई हुई, उसके बाद से शुभमन गिल टेस्ट के अंदर इतना कोई खास रहे नहीं है, तो गिल को परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज। अहमदाबाद में कोई मैच नहीं है, अहमदाबाद देख के बताता हूँ, अभी हैदराबाद में पहला मैच है ना, अभी वो भी पता चल जाएगा अहमदाबाद में कितने मैचेस हैं। अच्छा जी, अहमदाबाद धर्मशाला में एक टेस्ट मैच है, रांची में है, राजकोट के अंदर है, विशाखापट्टनम, हैदराबाद नहीं जी, इस दफा तो कोई बड़ी ग्राउंड जो हमें पता थी उस ग्राउंड में नहीं है, लेकिन एसजीओ जिन ग्राउंड में मैच है ना उनकी पिचेस ऐसी ही होती है। टेस्ट मैच धर्मशाला में देखने का बहुत मजा आने वाला है, नहीं वो उसकी भी आपको पता कंडीशन जिस तरह की आउटफील्ड का मसला था, लेकिन वो उस वक्त तो अभी तो देखे ना तो ठंड है, बर्फ का चक्कर भी हो, बड़ा मजे का होगा, लेकिन वो आखिरी टेस्ट मैच है ना, वो मार्च तक चले जाएगी कहानी, तब तक सब कुछ सही हो जाएगा, वो स्प्रिंग होगा वहां का, वो भी ग्रास आउटफील्ड भी सही होगी, तो पता चलेगा आगे जाके। बट आई स्टिल बिलीव की जो सीरीज होगी ना ये हमें मजे की देखने को मिलेगी, और आई वांट के ये दो से तीन दिन के अंदर टेस्ट मैच इतना खत्म हो, ये मजे की हो, एटलीस्ट चौथे दिन का आखिरी सेशन या पांचवे दिन तक टेस्ट मैचेस जाए, तभी मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए हमें ज्यादा दिन इंशाल्लाह फिर आते होंगे, तब तक के लिए।